तो दोस्तों अगर आपके फेसबुक के मॉडरेशन सेक्शन में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि प्रोफाइल है सम इशू, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसके द्वारा ना ही अपने फेसबुक को मोनेटाइज कर पाओगे, ना ही से अर्निंग कर पाओगे, ना आपका फॉलोवर बढ़ेगा, ना आपके वीडियो में व्यू बढ़ेगा। तो आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुरू करता आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फेसबुक ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने में आपको प्रोफाइल को ओपन करना है। मैं प्रोफाइल ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है सी डैशबोर्ड का, उस पर वो क्लिक कर देना है। दोस्तों सी डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाता था। तो यहाँ पर आपको साफ क्लियर भाषा में लिखा हुआ है कि प्रोफाइल है सम इशू। तो दोस्तों आपको इसमें वो जानना है कि मेरे प्रोफाइल में इस तरह का इशू क्यों आया है, तो वो सी डिटेल पर क्लिक करना है। जिसे क्लिक कीजिएगा इस तरह का वापस पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि एक्शन वी हैव टेकन, उसने किस के लिए इसने ये कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। तो दोस्तों ये कॉपीराइट स्ट्राइक वी हैव रिमूव, ये बोल रहा है कि मैं आपके वीडियो को रिमूव कर लिया हूँ, क्या कारण से। तो मैं क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों कारण ये आपको सामने दिख जाएगा किस कारण से मेरे वीडियो में इस कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। तो मैंने इंडिया और इंग्लैंड का कोई मैच था, उसको लाइव कर दिया था फेसबुक, इसके वजह से मुझे इस तरह का कॉपीराइट आया है। तो कॉपीराइट देने वाला कौन है, ये ICC वाले हैं दिए हैं मुझे। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको हटा के। इसके लिए दोस्तों थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल ऊपर करता हूँ, तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सी ऑप्शन का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों इस तरह का एक वापस पेज खुल जाएगा। तो यहाँ आपको दो तरह से इसको हटा सकते हैं, आप ईमेल द्वारा या अपील के द्वारा। तो मैं इसको पहले ईमेल के द्वारा स्पॉट दिखाता हूँ हटा के, उसके बाद मैं दूसरा ऑप्शन अपील के द्वारा दिखाऊंगा। तो पहले मैं ईमेल के द्वारा दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ईमेल द रिपोर्टर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने में इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक किस वजह से मिला है, कौन दिया है, कॉपीराइट स्ट्राइक का नंबर क्या है। तो दोस्तों मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वीडियो का कॉपीराइट स्ट्राइक दिया हुआ, कॉपीराइट नंबर ये है, इसका ईमेल आईडी है। उसके बगल में आपको जो बॉक्स का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आप डायरेक्ट इसमें मेल पर चला जाइएगा। मेल में आपको मेल लिखना है, तो ये मेल ICC को मैं मेल कर रहा हूँ। सब्जेक्ट में आपको लिखना है कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक। उसके बाद कंपोज ईमेल में क्या लिखना है, मैं आपको दोस्तों ये मेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके आप डाल सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको अटैच फाइल भी कर सकते हो, कॉपीराइट स्ट्राइक का जो नंबर था और कंपनी नाम है उसको, कॉपीराइट स्ट्राइक का जो स्क्रीन शॉट लेके आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। और नहीं अटैच कीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको अटैच करके। इसके लिए आपको जो ऑप्शन दिख रहा है अटैच फाइल का, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो मैं स्क्रीनशॉट का फ़ोटो लिया था इसमें लगा दिया हूँ। इसके बाद मैं इस मेल को इसके पास सेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ अपील करके। सबमिट अपील जो लिखा हुआ उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ आपको जो आई अंडरस्टैंड टू विश कंटिन्यू आपको उसको टिक कर देना है। टिक कीजिएगा तो दोस्तों देखिए आपका जो फेसबुक का नाम है, ईमेल आईडी है, सब आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो वीडियो का स्ट्राइक आया है उसको आपको टिक कर देना है। और नीचे आपको एक मैसेज टाइप करना है। दोस्तों मैं मैसेज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद नीचे दोस्तों दिखा देता हूँ आपको, इसको पेस्ट करके पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है चूज फाइल, वहाँ पर जो अपने स्क्रीनशॉट लिया था आप इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट पहला वाला मेरा है, तो यहाँ मैं इसको अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद नीचे ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, आपको इसमें सिग्नेचर करना है। आपका जो जिस नाम से पैन कार्ड है उस नाम से आपको साइन करना है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड का जो आइकन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ आपको यहाँ पर वापस एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टाइप ए मैसेज में लिखना है क्या कॉपीराइट। कॉपीराइट लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है कंफर्म का, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको कैप्चा भरने को मिलेगा, आप इस कैप्चा को यहाँ पर भर दीजिए और जो आपको सबमिट का जो ऑप्शन है उसमें वो क्लिक कर दीजिए। इतना करने पर दोस्तों आपको
अपील का जो प्रोसेस है पूरा हो जाएगा, ये अपील आपको फेसबुक टीम के पास पहुंच जाएगा। और आप देखिएगा कि आपका जो फेसबुक में कॉपीराइट स्ट्राइक है कुछ दिन के बाद ही ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि आपका जो मेल है कंपनी पास पहुंच जाएगा, वो आपका जो कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा ही देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।